दोस्तों इन्फिनिक्स ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स S5 Pro जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ में आता है और काफ़ी कमाल का यार ये देखने में लगता है। देखिए किस तरह का ये स्मार्टफोन होने वाला है। 48 मेगापिक्सल का मेन यहाँ पर आपको कैमरा मिलने वाला है रियर में, साथ में फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम इन्फिनिक्स S5 Pro के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, साथ में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे कितनी इसकी कीमत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों ये है बॉक्स यहाँ पर इन्फिनिक्स S5 Pro का। ऊपर जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर S5 Pro और पॉपअप कैमरा 4GB और 64GB वेरिएंट ये आपको मिलता है। S5 Pro साइड में लिखा गया है, दूसरी तरफ भी S5 Pro इधर आए हुए हैं, नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको इन्फिनिक्स जो है यहाँ पर देखने को मिलता है और पीछे की तरफ फ़ोन के कुछ एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो है 16 मेगापिक्सल का जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें मेन सेंसर आपका 48 मेगापिक्सल का होगा और 6.53 इंच की फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और XOS 6.0 यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉइड 10 पर होगा और 4000mAh की बड़ी बैटरी हीलियो P35 ऑक्टाकोर चिपसेट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा और ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होने वाला है। तो चलिए फिलहाल बॉक्स को ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से आपका इन्फिनिक्स S5 Pro आता है। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको आपका स्मार्टफोन दिख जाएगा और यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले के ऊपर जो फिल्म लगाई गई यहाँ पर सभी मेन फीचर हाईलाइट किए गए हैं। डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कूल ये लग रहा है और मेरे पास फॉरेस्ट ग्रीन कलर वेरिएंट है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर फील हो रहा है। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है इस स्मार्टफोन का। बाकी की जो कंटेंट है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है, USB केबल, 5V 2A का पावर अडेप्टर 10W का, उसके बाद कुछ एक यूज़र मैनुअल जो पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर जो है केस मिल जाता है और जो केस की क्वालिटी है वो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस आपको इन्फिनिक्स S5 Pro के साथ में देखने को मिल जाता है। साथ में इसी के साथ आपको बॉक्स के अंदर ही जो यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये थे कॉन्टेंट यहाँ पर इन्फिनिक्स S5 Pro के बॉक्स के। तो चलिए इन सबको हम साइड में रखते हैं और आप लोग देखिए कुछ इस तरह से दिखता है आपका इन्फिनिक्स S5 Pro। यार बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त ये लग रहा है। बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इतना सस्ता स्मार्टफोन ये होगा और जो कैमरा सेटअप आपको दिया गया है वो कैमरा सेटअप भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहा है। और जो मेन सेंसर होने वाला है दोस्तों वो 48 मेगापिक्सल का होगा, यानी कि काफ़ी अच्छा कैमरा इस बार आपको इन्फिनिक्स S5 Pro में देखने को मिलेगा। सेकेंड यहाँ पर आपको लो लाइट सेंसर मिल जाएगा और थर्ड यहाँ पर आपको एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। नीचे आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पर डिजाइन बाई इन्फिनिक्स लिखा गया है और साइड में राइट हैंड साइड पर आपको वॉल्यूम कीज़ और जो पावर बटन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पर दिया गया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो सिम ट्रे है वो आपको प्रोवाइड की गई। सिम ट्रे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं आपको ट्रिपल स्लॉट वाली सिम ट्रे मिल जाती है, यानी कि आप दो सिम कार्ड और अपना मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। और बात करें दोस्तों बॉटम की तो नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपको USB पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, मेन स्पीकर आपको मिल जाता है, माइक्रोफोन और उसके बाद 3.5mm ऑडियो जैक। सामने की तरफ जो है ऊपर आपको जो आपका ईयर पीस स्पीकर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स S5 Pro में। तो चलिए यार इसे ऑन करते हैं और बाकी के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं इन्फिनिक्स S5 Pro में। तो दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है, कुछ इस तरह का जो है आपको UI यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफ़ी सिंपल UI आपको देखने को मिलेगा। ऐप ड्रॉअर वाला फीचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और कुछ एक एक्स्ट्रा ऐप भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बार आपको नया नोटिफिकेशन बार देखने को मिल रहा है, पहले जो है कुछ अलग तरीके का जो आपको मिलता था लेकिन इस बार जो आइकन्स हैं
वो आपको जो है स्क्वायर वाले आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो XOS 6.0 है उसमें कुछ नए आइकन्स देखने को मिल रहे हैं, नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। फीचर्स के बारे में मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर फ़ोन के अबाउट सेक्शन की बात करें तो XOS 6.0 आपको देखने को मिल रहा है और बाकी स्पेसिफिकेशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड्रॉयड OS जो आपको देखने को मिलेगा वो एंड्रॉयड 10 यहाँ पर होने वाला है। तो लेटेस्ट OS यहाँ पर आपको जो है इन्फिनिक्स S5 Pro में देखने को मिल रहा है। रैम मैनेजमेंट की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो आपको मैंने बताया कि 4GB की रैम मिलती है और 64GB का स्टोरेज मिलता है। और 64GB में से आपको यहाँ पर करीबन 53GB फ्री मिल जाता है। रैम यहाँ पर आपको जो है 4GB में से 2.21GB फ्री मिल जाती है, यानी कि काफ़ी अच्छा रैम मैनेजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। साथ में रैम बूस्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और गेम बूस्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो आपको फेस अनलॉक वाला फीचर, साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फीचर मिल जाता है। मैं दोनों यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट करके मैं यहाँ पर दिखाऊँगा। तो फिलहाल मैंने जो है दोनों डेटा यहाँ पर सेट कर लिए हैं। तो अब देखिए, जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करेंगे आपका जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि फेस अनलॉक वाला फीचर काम यहाँ पर करेगा, लेकिन हम जो है फिंगरप्रिंट की सहायता से इसे अनलॉक करेंगे तो डायरेक्ट आपको फिंगरप्रिंट पर प्रेस करना है। तो बस आपका फ़ोन यहाँ पर अनलॉक हो गया। तो देखिए, अब मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेस किया तुरंत हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पर अनलॉक हो गया। तो काफ़ी फास्ट यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। फेस अनलॉक आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसके लिए आपको पावर बटन जो है प्रेस करना होगा। पॉपअप सेल्फी कैमरा ऊपर की तरफ आता है, काफ़ी अच्छा एनिमेशन और साउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और फेस अनलॉक काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर काम करता है। और देखिए, एनिमेशन और जो कैमरा बाहर आ रहा है काफ़ी ज़बरदस्त यार ये लगता है। तो चलिए, ये तो हमने की बात यहाँ पर जो है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर की। आप यहाँ पर एक यूनिक फीचर आपको दिखा देता हूँ जो कि है स्मार्ट पैनल। देखिए, कुछ इस तरह से आपको स्वाइप करना है तो आपका स्मार्ट पैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप अपनी सभी जो फेवरेट ऐप्स है वो यहाँ पर रख सकते हैं और फिर इन ऐप्स में आप जो है डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं एक दूसरी ऐप से। यानी कि अगर आप फेसबुक में हैं तो यहीं से आप जो है डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं और डायरेक्ट आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, डायरेक्ट मैसेंजर पर जा सकते हैं। बस आपको जो है स्वाइप करना है, दूसरी ऐप पर आपको क्लिक करना है। तो ये काफ़ी यार अच्छा फीचर आपको मिल जाता है जो कि आपके डिवाइस को काफ़ी ईजी टू यूज़ बना देता है और काफ़ी अच्छी मल्टी टास्किंग यहाँ पर फिर आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर मेन हाईलाइट की, जो कि है इस स्मार्टफोन का पॉपअप सेल्फी कैमरा और 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप। तो सबसे पहले आपको AI कैमरा यहाँ पर मिलता है और 48 मेगापिक्सल का आपको अलग से ऑप्शन मिल जाता है, आप उसे जो है इनेबल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ़ोटोज़ आप इस स्मार्टफोन से ले पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा AI फिल्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, गूगल लेंस का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है और जो है शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में अगर आप जो है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फुल HD क्वालिटी में आप लोग जो है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद ब्यूटी मोड आपको मिलता है, बुके इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, AR शॉर्ट्स का फीचर भी आपको मिलता है और इसके अलावा जो पैनोरामा फ़ोटोज़ हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। जबकि फ्रंट कैमरे की बात करें तो जैसे ही आप यहाँ पर जो है जो आपको फ्रंट कैमरा वाला ऑप्शन दिया गया है तुरंत वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो बाहर आता है। देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, काफ़ी कूल ये लगता है और एनिमेशन भी देख सकते हैं आप, जो देखिए किस तरह से एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, किस तरह का साउंड यहाँ पर आता है। तो काफ़ी अच्छा फीचर आपको इतने कम प्राइस में जो है इन्फिनिक्स S5 Pro में मिल रहा है। और फ्रंट कैमरे से भी आप जो है फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, बोके इफेक्ट के साथ में, ब्यूटी मोड के साथ में फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो चलिए, मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग बताना कि आपको इन्फिनिक्स S5 Pro के जो कैमरा सैंपल्स हैं वो यहाँ पर कैसे लगे। तो दोस्तों, कैमरा सैंपल्स आप लोगों ने देखे तो मेरे हिसाब से अभी तक तो मुझे कुछ ठीक ठाक यहाँ पर कैमरा लगा। आप लोग बताना कि आपको कैसा यहाँ पर कैमरा लगा। डिस्प्ले आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह की डिस्प्ले आपको मिलेगी, यानी कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलेगी और फुल HD प्लस ये डिस्प्ले होने वाली है। और देखिए, काफ़ी कमाल के कलर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले आपको मिल रही है। तो दोस्तों, ये था आपका इन्फिनिक्स S5 Pro जो कि आता है केवल 9,999 रुपये में, 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज, SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट आपको मिलेगा और डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको मिल रहा है। साथ में
पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो यार बेस्ट स्मार्टफोन बेस्ट फीचर्स के साथ में केवल 9,999 रुपये में। तो इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में इन्फिनिक्स S5 Pro को आज लॉन्च कर दिया है केवल 9,999 रुपये में। काफ़ी कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं। मैं इसके जो यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और वहाँ पर बताऊँगा कि कौन कौन से कमाल के फीचर्स आपको इन्फिनिक्स S5 Pro में मिलते हैं। अगर आप लोग भी इन्फिनिक्स S5 Pro को परचेज करना चाहते हैं तो केवल 9,999 रुपये में आप इसे फ्लिपकार्ट पर परचेज कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इन्फिनिक्स S5 Pro नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।